जमशेदपुर पुलिस ने फिर से एक बार बड़ी कामयाबी हासिल की है, जहां चोरी हुए कुल 157 मोबाइल फोन को उनके मालिकों को सौंपा है। आपको बता दें कि 2022 में लगभग 3000 से ज्यादा मोबाइल गुम हुए थे। इसका मूल्य लगभग 30 करोड़ रुपए था, लेकिन गुम हुए 1200 मोबाइल बरामद कर उसका वितरण भी कर दिया गया है। इस वीडियो में देखे। ये मोबाइल है मेरा, ये 6 महीना पहले गुम गया था, तो अभी आके मिल गया। मोबाइल घुमा था टेलको बिसानगर के, मेरा घर के साइड ही घुमा था। उस दिन संडे था, संडे मार्केट। हम गाड़ी चला रहे थे तो मेरा पॉकेट से गिर गया था, तो उसके बाद निकाल नहीं पाए, फिर थाना जाके रिपोर्ट कराए, बस। ये तो बहुत ही अच्छा एक हम लोगों को सहारा मिला जमशेदपुर वासी को। पहला बार ऐसा हुआ कि मतलब पुलिस प्रशासन के तरफ से इतना अच्छा कार्रवाई। आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले जिसका भी मोबाइल खोया है, हम लोग बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत दोस्त का आज़ाद मार्केट में खड़ंग बाजार में मोबाइल गायब हुआ है, उसका सना दर्ज कराए हैं टेलको थाना में, गोलमुरी थाना में, टिम्पलेट थाना में, लेकिन ये पहला बार, दिस इज फर्स्ट टाइम। जमशेदपुर पुलिस को क्या? एक नंबर सर को हम बोले, सर यू आर फाइन, गुड, वेरी गुड। और हम लोगों का काम ये है कि अभी ये ऐप को पूरा फैलाना है, इस ऐप को सबको जानकारी देना है, सबको बताना है कि ये ऐप से क्या उनको बेनिफिट मिल सकता है। किसी का साथ भी हो सकता है, ट्रेन में, बाजार में, संडे मार्केट में, गोविंदपुर बाजार में मोबाइल चोरी का तो धंधा बन गया है। छोला उड़ा पे और दो मोबाइल मेरा हरा गया था, रियलमी और रेडमी से। कैसे हरा था सर? पॉकेट से गिर गया था। हाँ, आपको लगा था कि कभी आपको इतना कीमती मोबाइल मिल पाएगा? सर विश्वास नहीं था कि मिलेगा बोल के, फिर भी हम अपने विश्वास करके आप एप्लीकेशन लिख करके दिए थे, पर हमको बहुत हेल्प किया पुलिस वाले ने, हमको बहुत ये किया कि दोनों मोबाइल एक साथ मिल गया है, लेकिन आगे पीछे मेरा मोबाइल हरा गया था, लेकिन एक साथ मिला, बड़ी खुशी की बात है सर। आज मिला तो कैसा लगा? बड़ी खुशी लग रहा है। हाँ, धन्यवाद बोलेंगे और क्या बोलेंगे, मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मेरा नाम है माइनो सोरेन, जदुगुड़ा से रहते हैं सर, जदुगुड़ा में। एक मोबाइल मिला, एक मोबाइल नहीं मिला अभी तक, सैमसंग का मिल गया और रेडमी का नहीं मिला है, 7 महीना के बाद। इसके साथ ही पूर्वी सिंहभूम जिले में रहने वाले लोगों को अब मोबाइल गुम होने पर थाने में शिकायत लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए गुरुवार को एक ऐप की लॉन्चिंग एसएसपी प्रभात कुमार के द्वारा की गई है। और ये ऐप जो बनाया है तो दिल छूने वाला काम किया यार, बहुत सुंदर, इतना इजी ऐप। आने वाला दिन में किसी को भी जो कम मैट्रिक पास है या कम जानकार है, उसके लिए भी ये बहुत ही इजी है, और इसको ऑपरेट करना भी इजी है। और इसके बाद अगर मोबाइल मिल जाता है तो सबके मन में एक आशा बढ़ेगा, आशा जगेगा। कॉन्फ्रेंस हॉल है, उसमें एक बेहद कार्यक्रम था, जमशेदपुर पुलिस के द्वारा आज एक चैटबॉट नाम का ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे जो लोग भी, जिनका भी मोबाइल गुम होता है, तो अभी तक की जो प्रक्रिया होती थी कि वो थाना में जा कर के सनहा दर्ज कराएंगे, फिर मोबाइल मिला कि नहीं मिला, मिला तो कब मिलेगा, नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, इसके लिए उनको थाना में जा कर के फॉलो अप करना पड़ता था। हम लोग इस ऐप के माध्यम से इसका सॉल्यूशन एकदम आसान कर दिए हैं। अब जिस किसी भी व्यक्ति का मोबाइल गुम होता है, उनको थाना में कभी जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो घर बैठे बैठे अपने से या किसी की मदद से उस ऐप के माध्यम से अपना खोए हुए मोबाइल का विवरणी हमारे पास भेज सकते हैं, और उसके बाद हम लोग मोबाइल को ढूंढ करके और जिस तरीके का कैंप हम लोग लगा रहे हैं उसमें उनको मोबाइल दिया जाएगा। इसी में आज दूसरा कार्यक्रम था, जो हम लोग लगातार लॉस्ट मोबाइल को रिकवर करके जो पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसका आज फोर्थ फेज था। जैसा आप जान रहे हैं, हमने शुरुआत इसी कैंपस से की थी, इसके बाद घाटशिला थाना में किया गया था, फिर साक्षी थाना में, और आज यहाँ किया गया है। अभी तक कुल हम लोग 1200 मोबाइल को ढूंढे हैं, उसमें से आज का ये कार्यक्रम मिला करके लगभग 860 मोबाइल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, और विभिन्न थानों में कुछ एक मोबाइल पड़े हुए हैं जिनके ओनर्स अभी रिसीव करने नहीं आए, और ये अब ऑटो पायलट मोड में जमशेदपुर पुलिस के द्वारा किया जा रहा है कि जो भी मोबाइल गुमशुदगी से संबंधित सनहा एंट्री की जा रही थी उसको ऑटोमेटिक खोज करके और लोगों को सुपुर्द किया जा रहा है। और आज जो हम लोगों ने एक ऐप लॉन्च किया है, उससे ये काम और भी आसान हो जाएगा। और मैं आप सभी मीडिया बंधुओं से निवेदन करता हूं कि आप लोग भी अपने मोबाइल में ये नंबर सेव रखें, इसको प्रकाशित करें, और जमशेदपुर में जितने भी लोग हैं उनके मोबाइल में ये नंबर सेव होना चाहिए। नंबर भी काफ़ी आसान है, मैं याद करने के लिए भी नंबर आपको बोल देता हूँ, ये 9006123444 ये नंबर है, इसको आप सेव कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से
जिनका भी मोबाइल, सपोज अगर कोई ऐसे व्यक्ति है जिनका मोबाइल गुम हो गया और वो टैक्स अभी नहीं है, वो ऑनलाइन अपना एंट्री नहीं कर सकते हैं, तो आप भी कोई दूसरा भी मोबाइल से उनका एंट्री कर सकता है। तो ये काफ़ी एक यूनिक पहल है, यूनिक इनिशिएटिव है, और हम उम्मीद करते हैं कि इससे डेफिनेटली पब्लिक को काफ़ी सहूलियत होगी। और अभी तक जो जिस रेशियो में हम लोग मोबाइल को ढूंढ करके देते थे, उससे उसका रेशियो काफ़ी बढ़ेगा। थैंक यू। सी इसका कोई रिकॉर्डेड कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं है, बट जो जितना मैं जान रहा हूँ कि ये झारखंड में डेफिनेटली दिस इज़ दी फर्स्ट इनिशिएटिव बाय जमशेदपुर पुलिस, एंड आई एम श्योर अगर ये अच्छे से काम करेगा तो डेफिनेटली बाकी डिस्ट्रिक्ट भी इसको एमुलेट करेंगे। पुराने मोबाइल की खरीद बिक्री जो करते हैं, देखिए आप खुद समझ सकते हैं कि अब जो लोग भी या तो खोया हुआ मोबाइल किन्हीं को मिल जाता है या कोई दुकान से जाके ले लेते हैं, तो जो प्रॉपर ख़रीदारी नहीं करेगा डेफिनेटली उनके उनका मोबाइल पुलिस लेकर के जो ओरिजिनल ओनर है उनको देंगे। और इसके बाद अगर हम लोग ये पाएंगे कि कोई ऐसा दुकान है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके यहाँ से रेगुलर इंटरवल पर अगर रिकवरी हो रही है, तो उन पर फिर FIR दर्ज करके भी कार्रवाई की जाएगी। मैंने पहले ही बता दिया कि ये काफ़ी इजी टू ऑपरेट है। जो आदमी स्मार्टफोन चला सकता है वो इस ऐप को आराम से, क्योंकि ये ऐप उस सेंस में ऐप कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, एक नंबर है जो आपके मोबाइल में सेव रहेगा, और जैसे आप पब्लिक से, अपने दोस्त से, अपने घर वाले से जैसे चैटिंग करते हैं, उसी प्रकार से इसमें सिर्फ एक बार आपको टाइप करना है। उसके बाद जैसे जैसे वो ऑटोमेटेड चैट है, वो मशीन के द्वारा चैटिंग होती है, जो डिटेल्स मांगेगा वो डिटेल को भरना है इसमें, उसके अलावा कुछ नहीं है। इन केस अगर कुछ लोग वो भी नहीं कर पाते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि वो दूसरे किसी से भी सपोर्ट लेकर के एंट्री कर सकते हैं, वो भी अगर नहीं होता है तो थाना में आएंगे, थाना में जो पदाधिकारी या मुंशी या जो भी हमारे कर्मी बैठे रहेंगे उनके द्वारा ये एंट्री कर दी जाएगी। सर, वो जो फ्रॉड लिंक वाला आप, यस, ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि आजकल काफ़ी जो साइबर फ्रॉडस्टर होते हैं, जो फ्रॉड करते हैं, वो डिफरेंट प्रकार का लिंक भेज देते हैं और उस लिंक के माध्यम से फ्रॉड करते हैं। तो मैं आपको स्पेसिफिकली इस ये बात बताना चाहता हूँ और आपके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ जो मैंने नंबर बोला है उसी नंबर पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके अलावा किसी भी अन्य नंबर से आए तो उसको अटेंडेड नहीं करना है, नंबर वन। नंबर टू, जमशेदपुर पुलिस अपने आप से मैसेज नहीं भेजेगी, आपका मोबाइल गुम होगा, आप इनिशिएट करेंगे, देन वो लिंक भेजा जाएगा। तो सपोज़ ऑटोमेटिक आपके मोबाइल पर अगर लिंक आ जाता है, वो जमशेदपुर पुलिस लिखा हुआ हो या फिर ये कि लॉस्ट मोबाइल का आप एंट्री कीजिए, आप उसको डिलीट कर देंगे, आप इंटरटेन नहीं करेंगे, अदरवाइज फिर साइबर फ्रॉड का शिकार बन सकते हैं। काफी मोबाइल ढूंढने के बाद आपके द्वारा ये अभियान शुरू किया गया, कैंप लगे थे, क्या लगता है कितने करोड़ के इतने मोबाइल? जैसा मैंने बताया है, जो 2022 का आंकड़ा है हमारे पास, वो कम से कम मोस्ट कंजर्वेटिव एस्टिमेट इज 30 करोड़ का मोबाइल गुम हुआ है, और हम लोगों का प्रयास यही है कि ये काफ़ी ह्यूज नंबर है, अधिक से अधिक संख्या में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।